हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऐसे फायरवॉल के अंदर SSH प्रोटोकॉल को कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो पार्ट है ये CCNA सिक्योरिटी का एक टॉपिक है जो 210-260 से लिया गया है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मैं हूँ आपका ट्रेनर कृष्णेंदु विश्वास। तो ये मेरा एक सिंपल सा टोपोलॉजी है। देखिए, मेरा एक ऐसे फायरवॉल लिया हुआ है जिसका एक ही इंटरफेस है, गीगाबिट इथरनेट 0/0, जिसका आईपी एड्रेस है 172.16.10.1, सबनेट मास्क है /24, जो मेरा एक स्विच से कनेक्टेड है, और मेरा स्विच से और एक पीसी कनेक्टेड है, या मेरा विंडोज 7 कंप्यूटर जिसका आईपी एड्रेस है 172.16.10.2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये ASA के अंदर हम लोग SSH प्रोटोकॉल को कॉन्फिगर करेंगे। उधर में एक लोकल यूजर नेम पासवर्ड बनाएंगे लोकल डेटाबेस AAA के मदद से, और विंडोज 7 से हम लोग उसको पुट्टी के जरिए रिमोटली लेके देखेंगे कि विंडोज 7 के जरिए हम लोग वो जो ASA है मेरा, ठीक है, नेटवर्क के अंदर उसको हम लोग एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों, मेरा जो पिछला दो वीडियो था अलग अलग, कि हम लोग पिछला वीडियो में दिखाए थे कि ASA को GNSTP में कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है और ASA का इंटरफेस कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, ये दो अलग अलग वीडियो हम लोगों ने लास्ट वीक बनाए थे। तो इस वीक में हम लोग दिखाने जा रहे हैं SSH प्रोटोकॉल को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे ASA के अंदर। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, थैंक यू। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, इधर में मेरा एक ही इंटरफेस है 172.16.10.1/24, इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हम लोग ASA का कंसोल ओपन कर लेते हैं। उधर में इनेबल पासवर्ड कुछ भी नहीं है, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाके हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, होस्ट नेम जो है अभी सिस्को ASA है, होस्ट नेम को चेंज कर देंगे। तो होस्ट नेम चेंज करने के लिए होस्ट नेम ASA डाल दिए। तो होस्ट नेम ASA डालने के बाद इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0, ठीक है। अभी क्या होगा, इसको बताना पड़ेगा कि कौन सा इंटरफेस है, ये इनसाइड आउटसाइड इंटरफेस है या आउटसाइड इंटरफेस है या DMZ। तो नेम इफ इनसाइड, उसके बाद देखिए बाय डिफॉल्ट जो है इसका जो इनसाइड जो है, जो जब हम लोगों ने इधर में बताए तो इनसाइड का डिफॉल्ट सिक्योरिटी लेवल क्या है, 100। तो इसको हम लोग मैनुअली भी बता सकते थे कि सिक्योरिटी हाइफन लेवल इधर हम लोग मेंशन कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट इनसाइड नेटवर्क का सिक्योरिटी लेवल क्या होता है, 100। ये पिछले वीडियो में भी हम लोग बताए थे। तो उसके बाद इसका आईपी एड्रेस क्या है, 172.16.10.1 सबनेट मास्क, उसके बाद नो शर्ट। ये मेरा आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन ASA के अंदर हो गया। तो अभी सबसे पहले ASA के अंदर एक यूजर नेम पासवर्ड हम लोग बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, जो यूजर नेम पासवर्ड हम लोग अभी ASA के अंदर बनाएंगे, ये यूजर नेम पासवर्ड के जरिए हम लोग जो मेरा विंडोज 7 मेरा कंप्यूटर है नेटवर्क के अंदर, वो उस मशीन से हम लोग लॉगिन करेंगे ASA के अंदर, ठीक है। तो यूजर नेम पासवर्ड बनाने के लिए कमांड क्या है, यूजर नेम दे देते हैं सिस्को, ठीक है। और यूजर नेम देने के बाद पासवर्ड देना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि मेरा पासवर्ड है CCNA123, ठीक है। उसके बाद मुझे एक प्रिविलेज लेवल मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। प्रिविलेज लेवल हम लोग डाल देते हैं 15, ठीक है। ये मेरा लोकल यूजर नेम पासवर्ड हम लोग बना दिए। तो सबसे पहले अभी यूजर नेम पासवर्ड बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इधर में SSH को कॉन्फिगर करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग पहले ही जान चुके हैं, अगर हम लोगों को CCNA हम लोगों ने किए हैं तो मुझे पता होगा कि कैसे राउटर के अंदर हम लोग SSH प्रोटोकॉल को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक। उसी तरह से ASA के अंदर भी हम लोग SSH प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करने क्रिप्टो की जेनरेट, उसके बाद क्या होगा, देखिए क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, RSA एल्गोरिदम को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क मॉड्यूल, तो उसके बाद हम लोग दे देते हैं 2048, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट RSA का की है जिसको हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे।
ठीक है. डू यू वॉन्ट टू रिप्लेस देम यस, इसको यस चूज करना पड़ेगा. ठीक है, देखिए की पेयर जनरेशन प्रोसेस बिगिन, ये दिखा रहा है मतलब अभी काम चल रहा है. ठीक है, तो अभी क्या करना पड़ेगा, अभी इधर में ये बनाने के बाद एक लोकल यूजर नेम पासवर्ड बनाएंगे ट्रिपल ए के मदद से. तो ट्रिपल ए जो है इधर में, ट्रिपल ए सर्वर हम लोग कॉन्फिगर नहीं कर रहे हैं, कोई भी एक्सटर्नल डेटाबेस हम लोग नहीं बना रहे हैं, हम लोग लोकली एक ट्रिपल ए के मदद से हम लोग ये जो यूजर नेम पासवर्ड हम लोगों ने दिए कि यूजर नेम क्या था सिस्को और पासवर्ड क्या था CCNA123, तो इसको हम लोग ऐसे के अंदर लॉगिन करने के लिए इस्तेमाल करें. तो इधर में क्या कमांड डालना पड़ेगा ट्रिपल ए के लिए, ट्रिपल ए उसके बाद ऑथेंटिकेशन, ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन डालने के बाद देखिए इधर में क्वेश्चन मार्क दे देते हैं. ठीक है, अभी क्या है SSH के ऊपर लॉगिन करेंगे, तो हम लोग कौन सा मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं SSH उसके बाद क्वेश्चन मार्क. देखिए अभी कंसोल देना पड़ेगा, तो कंसोल कौन सा होगा, मेरा लोकल कंसोल को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो इधर में मेंशन कर देना पड़ेगा लोकल. ठीक है, तो इधर में ट्रिपल ए के मदर से जो जो यूजर नेम पासवर्ड हम लोगों ने बनाए तो उसको लोकली इस्तेमाल करके हम लोग ऐसे के अंदर लॉगिन होंगे, ये कमांड का मतलब वही है. ठीक है, अभी क्या होगा, अभी ऐसे को बताना पड़ेगा कौन सा मशीन से हम लोग लॉगिन कर सकते हैं, तो वो कॉन्फिगर करने के लिए SSH उसके बाद 172.16.10.2 उसके बाद उसका सबनेट मास्क नहीं उसका पूरा का पूरा मास्क देना पड़ेगा. इधर में अगर जीरो दे देता है तो नहीं, ये नहीं लेगा, तो ये पूरा का पूरा देना पड़ेगा. ठीक है, तो ये आईपी एड्रेस देने के बाद हम क्वेश्चन मार्क दे के भी वेरीफाई कर सकते हैं. देखिए ABCD द आईपी नेटमार्क्स टू अप्लाई आईपी एड्रेस, हम लोग दे दिए, कोई भी आईपी एड्रेस इधर में लॉगिन कर सकता है. ठीक है, और उसको लिए मेंशन करना पड़ेगा कौन सा नेटवर्क से उसको एक्सेस होगा, इनसाइड नेटवर्क से, तो ये उसको बता देना पड़ेगा. तो ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया. ठीक है, मतलब हम लोग बता दिए कि ए से के अंदर कौन सा मशीन से हम लोग इनसाइड नेटवर्क से लॉगिन करेंगे. ठीक है, अभी क्या करेंगे, SSH का एक वर्जन इम्प्लीमेंट कर देंगे. SSH का अगर वर्जन इम्प्लीमेंट करना है SSH वर्जन उसके बाद 2 दे दिए, बस मेरा कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया ऐसे के अंदर. अभी हम लोग क्या करेंगे, विंडोज 7 जो मेरा कंप्यूटर है उसके अंदर जाएंगे. तो विंडोज 7 मेरा VNC से ओपन किया हुआ है, ये मेरा विंडोज 7 कंप्यूटर है, इसको फुल स्क्रीन करने का, ये मेरा किमू VM है. ठीक है, किमू VM बोले तो इधर में अलग से ऐड किया हुआ है मेरा VM, प्रेफरेंस में जाए तो इधर में देखिए किमू VM, इधर में मेरा विंडोज 7 है. ठीक है, ऐसे भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है, विंडोज 7 भी है, तो इसको फुल स्क्रीन करने का प्रोसेस है कंट्रोल ऑल शिफ्ट F. तो देखिए मेरा फुल स्क्रीन हो गया. अभी सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस मशीन में एक आईपी एड्रेस असाइन करना पड़ेगा जो है 172.16.10.2. तो चलिए आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, उसके बाद TCP IP देखिए पहले से ही दिया हुआ है 10.2 और उसका सबनेट मास्क भी है इसके हिसाब से, लेकिन सबनेट मास्क डिफ़ॉल्ट है, हम लोगों ने तो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क इस्तेमाल नहीं किए. तो हम लोग गेटवे भी मेंशन कर देंगे कि मेरा फायरवॉल के साथ ये कनेक्टेड है, फायरवॉल मेरा गेटवे है. ठीक है, ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन हो गया. अभी हम लोग देख लेते हैं कि एक बार इधर से बैठ के पिंग करने की कोशिश करते हैं ऐसे को, मिलता है कि नहीं पिंग 172.16.10.1, देखिए मुझे मिल रहा है. अभी हम लोग इधर में पुट्टी को ओपन करेंगे और रिमोटली लेने की कोशिश करेंगे ऐसे को. तो ऐसे को रिमोटली लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पुट्टी ओपन करना पड़ेगा. तो पुट्टी ओपन कर लिया हम लोग, तो इधर में जाके आईपी एड्रेस मेंशन करना पड़ेगा ऐसे का 10.1, और देखिए बाय डिफ़ॉल्ट SSH का पोर्ट नंबर क्या होता है 22. अगर हम लोग इधर में टेलनेट चूज़ करते तो वो 23. ठीक है, तो हम लोग SSH से लॉगिन करेंगे, हम लोग तो टेलनेट कॉन्फ़िगर नहीं किए, तो SSH से हम लोग लॉगिन करेंगे. तो ओपन हम लोग देते हैं, तो इधर में देखिए डू यू वांट टू कंटिन्यू, इसको यस करना पड़ेगा. उसके बाद एक पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रिच, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम इनसाइड नेटवर्क से लॉगिन कर रहे हैं यस. तो देखिए अभी लॉगिन एज दिखा रहा है, तो लॉगिन एज में हम लोग यूजर नेम क्या डाले थे सिस्को सी कैप्स में है, उसके बाद पासवर्ड क्या डाले थे CCNA123. देखिए हम लोग ऐसे के अंदर लॉगिन हो गए. अभी अगर इधर से भी आप चाहे तो ऐसे को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. तो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे हम लोग, एनेबल, कोई भी पासवर्ड नहीं है, तो अगर हम लोग चाहे तो आईपी एड्रेस वगैरह देख सकते हैं कि कौन सा वाला इंटरफेस क्या आईपी एड्रेस दिया हुआ है,
तो उसके लिए क्या कमांड होगा, शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, ये वाला कमांड से हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं आईपी एड्रेस। देखिए हम लोग एक ही आईपी एड्रेस को कॉन्फिगर किए थे गीगाबिट इथरनेट 0/0 के ऊपर, जो है 172.16.10.1। अभी हम लोग इस तरह से कोई रिमोटली रिमोट मशीन में बैठ के हम लोग उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ये एक प्रोसेस है SSH के अंदर, सॉरी ASA के अंदर SSH को इस तरह से हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग चाहे तो इधर में फिजिकल नेटवर्क को भी हम लोग कनेक्ट कर सकते थे। फिजिकल नेटवर्क को अगर हम लोगों को कनेक्ट करना है तो कैसे करते हम लोग, तो इधर में जाके इधर से क्लाउड को चूज़ करते। तो क्लाउड जब चूज़ करेंगे तो इधर में बताना पड़ेगा कौन सा वाला सर्वर को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ये मेरा फिजिकल कंप्यूटर है, ये मेरा GNS3VM है, तो हम GNS3VM से भी कर सकते हैं या फिजिकल कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, लेकिन आपका नेटवर्क उस तरह से सेट होना चाहिए जिस तरह से हम लोग एक्सेस कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों फिजिकल मशीन से भी आपको दिखा देते हैं। GNS3VM चूज कर देते हैं। GNS3VM चूज करने के बाद इधर में मुझे एक बार पिंग करके देखना पड़ेगा, नेटवर्क अगर दूसरा आएगा तो नहीं लेगा, मेरा GNS3VM का IP एड्रेस अलग है। तो दोस्तों फिजिकल मशीन से भी हम लोग चाहे तो ले सकते हैं, तो चलिए फिजिकल मशीन ही चूज़ कर देते हैं। ठीक है, क्लाउड ले लिए, मतलब क्लाउड बोले तो ये मेरा होस्ट है, नाम चेंज कर देते हैं, ये मेरा होस्ट है और होस्ट को कॉन्फिगर करेंगे कौन सा इंटरफेस के अंदर, लोकल एरिया कनेक्शन 2 से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एड अप्लाई ओके। तो इधर में अभी देखिए ये स्विच को साथ हम लोग कनेक्ट करेंगे, सॉरी स्विच के साथ इथरनेट 2, अभी लोकल एरिया कनेक्शन 2, लोकल एरिया कनेक्शन 2 नहीं है एक्चुअली, ये मेरा लूपबैक अडेप्टर है, तो इसको भी हम लोग चेंज कर देते हैं लूपबैक अडेप्टर। तो अभी लूपबैक अडेप्टर का आईपी एड्रेस भी चेंज करना पड़ेगा फिजिकल मशीन में जाके। तो मेरा लूपबैक अडेप्टर का आईपी एड्रेस क्या है, ये मेरा लूपबैक अडेप्टर है जिसका आईपी एड्रेस हम लोग दे देते हैं 172.16.10.3, उसका सबनेट मास्क होगा 255 और उसका गेटवे होगा 172.16.10.1। तो देने के बाद ठीक है, तो हम लोग इधर से फिजिकल मशीन से हम लोग कोशिश करेंगे कि पुट्टी ओपन करके उसको रिमोटली लेने के लिए, लेकिन इधर में हम लोग क्या किए ASA के अंदर हम लोगों ने नहीं बताया कि कौन सा मशीन से एक्सेस कर रहे हैं, लेकिन हम लोग चेक कर लेते हैं कि हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं। मिल गया, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा फिजिकल कंप्यूटर में CMD ओपन करके उसको हम लोग चेक कर लेते हैं मुझे पिंग मिल रहा है कि नहीं। पिंग 172.16.10.1, तो देखिए पिंग मिल रहा है। ठीक है, तो अभी इधर से हम लोग पुट्टी ओपन कर लेते हैं, पुट्टी शायद मेरा डेस्कटॉप के अंदर है, हाँ इधर मेरा पुट्टी है, तो ये मेरा फिजिकल कंप्यूटर का पुट्टी है, तो इधर में ऐसे ही चूज़ किया हुआ है 172.16.10.1, तो पोर्ट नंबर बाय डिफ़ॉल्ट 22 ही रहेगा। ओपन कर लेते हैं, लेकिन शायद हम एक्सेस नहीं कर सकते, देखते हैं, क्योंकि हम लोग ये ASA के अंदर एक ही IP एड्रेस को अलाउ किए थे, वही प्रॉब्लम है जिसके लिए हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, पिंग कर सकते हैं लेकिन एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों ने नेटवर्क सही है, देखिए नेटवर्क टाइप एरर दे रहा है। तो एक्सेस करने के लिए इधर में मेंशन करना पड़ेगा कौन सा मशीन से हम लोग एक्सेस करेंगे, उसके बाद देखिए SSH मान लेते हैं हम SSH, वो वाला मशीन भी ऐड कर देते हैं 172.16.10. अच्छा एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले ये जो मेरा VNC में जो मेरा कनेक्टेड है इसके साथ हम लोग एग्जिट कर जाते हैं। तो अब जाके कोशिश करते हैं फिर से एक बार इधर में पुट्टी ओपन करके, नहीं तो हम लोग उधर में अलाउ कर वो जो IP एड्रेस है ऐसे के अंदर अलाउ करना पड़ेगा 172.16.10.1।
नहीं हो रहा है, अलाउ नहीं, अलाउ पहले करना पड़ेगा। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं, देखते आता है कि नहीं। तो अलाउ करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, SSH 10.3, उसके बाद 255.255.255.255, उसके बाद लोकल मेंशन करना पड़ेगा। खास हम लोग लॉगिन कर रहे हैं, ये मेरा लोकल नेटवर्क है, सॉरी 10.IP एड्रेस नहीं दिया, 10.3 होगा इधर। सॉरी लोकल नहीं, इधर में देना पड़ेगा इनसाइड, मतलब इनसाइड नेटवर्क से हम लोग एक्सेस कर रहे हैं। अभी देखते हैं, कोशिश करते हैं फिर से पुट्टी ओपन करने की। ओपन, देखिए ये मेरा आ गया। ठीक है, हम लोग क्या किए थे, हम लोग ASA के अंदर एक ही मशीन को अलाउ किए थे, इसलिए हम लोग विंडोज 7 से सिर्फ एक्सेस कर पा रहे थे। अभी चाहे तो इधर से भी बैठ के हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। यस कर दीजिए, देखिए लॉगिन है, हम लोग देंगे सिस्को, पासवर्ड है CCNA123। तो इस तरह से हम लोग फिजिकल मशीन को भी कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये एक नॉर्मल तरीका है जिस तरह से हम लोग SSH के ऊपर, मतलब ASA के ऊपर SSH को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।